وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

हर उस चीज़ से जो वो शिरक़ करते हैं आयत नंबर बानवे सूरतमिन यहाँ से आज के सबक का आगाज़ अल्लाह की तौफीक से हो रहा है और ये आयत और इस जो यानी आज आयत जिससे शुरू हम कर रहे हैं इससे माकबल की आयत, इसमें असल में अल्लाह करीम की जो कुदरत है और जो तोहीद है और क़ुदरतिया है उसके बारे में दलाइल भी दिए गए हैं और मुनकरन आख़रत से चार सवाल किए गए हैं इससे पहले ज़मीन किसकी है बताओ ज़मीन में जो कुछ है ये किसका है सातों आसमान और शीम शा, का रब कौन है तमाम कायन पर बादशाहत किसकी है यानी ये वो सवालात हैं जो अल्लाह करीम ने मशरक़ी मक्का से मख्तल मकाम पर दरियाफ़्त फ़रमाए हैं और असल में उनका जवाब भी साथ बयान किया है कि इनका जवाब ये होगा अल्लाह के केलावा और कोई नहीं है सारे काम करता सूरतबूत के अंदर भी इसी तरह सूर जुखरफ़ के अंदर भी सूर्यस के अंदर भी और यहाँ सोरह ममिन के अंदर भी ये सवाल आप यूं कह लीजिए कि मशरक का अकीदा अल्लाह करीम ने बयान फरमाया है कि वह हर एतबार से समझते थे कि अल्लाह ही सब कुछ करता है और सारी कुदरत ताकत अल्लाह ही के हाथ में है तो फिर जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और ये तस्लीम भी करते थे तो वो वो फिर मुशरक कैसे ठहरे उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला की जो तोद है जो जिसको हम तोहीद फिल इबादत कहते हैं उसमें वो दूसरों को शरीक करते थे वो या तो रबूबियत के भी क़ायल थे सिफात के भी कायल थे लेकिन उसमें तोहद उलूत में दूसरों को शरीक करके क्या मतलब कि इबादत का हर वमल या हर वमल जो इबादत के कबील से है वो सिवाए अल्लाह के किसी और के लायक शान नहीं और ये किसी और के लायक शान समझते थे इसलिए वो मशरक करार पाए और उसकी सादा सी मिसाल कुरान ने दे दी सुरह जुमर के अंदर और सराह यूनुस के अंदर कि ये उनको अप आ, उनकी बंदगी उनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि वो उनको अल्लाह के करीब कर देने वाले माँ ना अब इलाक़रबूना इला जुल्फ़ा हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर देते या फिर कहा कि सूर्यस की आयतर अठारह के अंदर कि वनहा शफ़ाआन और ये कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारशी हैं इस वजह से वह मशर करार पाए तो यहाँ अल्ला करीम ने उन चारों सवालों के जवाब में जब उनका सैक़ुल्ला के उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ही करता है तो उसके जवाब में फ़रमाया कुलाना तो शारून फिर क्यों जादू किए जाते हो बलआतीना बिल्ह वकादबून हम उनके साथ यानी हक़ लाए हैं उनके पास लेकिन इसके बावजूद वो झुठलाने वाले हैं और फिर अगली आयत में आयत अमर इक्यावे में, में अल्लाह करीम ने एक बड़ी वाजे और साफ सुथरी सी मिसाल दे के एक बा एक बात समझाई है तोहीद समझाई है कि ये बताओ कि एक मुल्क के अंदर अगर दो बादशाह हों तो वो मुल्क चल सकता है ज़ाहिर है कि जहाँ एक मुल्क के अंदर दो बादशाह नहीं चल सकते तो इतनी बड़ी कायनात में दो खुदा दो इलाह कैसे चल सकते लिहाज़ा फरमाया ना तो उसकी कोई औलाद है मत मिन वालदिन व वमा का नमा ना उसकी कोई औलाद है और ना ही उसके साथ कोई दूसरा इलाह है किसी भी एतबार से इदल अला बिमा खला अगर ऐसा कुछ होता तो हर इलाह क्योंकि इलाह जो मखलूक हो वो तो इलाह होता ही नहीं जिसके पास पैदा करने की ताकत हो वही इलाह होता है और अगर कोई ऐसा इलाह होता और ये बात मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि क़ुरान ने यही बात बार बार पूछी है कि बताओ अरूनी मा खलक अल्लाह मा खलाका हूँ कि उन्होंने अगर कोई अरूनी मा खलाकूँ वो दिखाओ जो उन्होंने पैदा किया कुछ जब उन्होंने कुछ भी नहीं पैदा किया तो इलाह तो वो होता है बंदगी के लायक तो वो होता है जो पैदा करने वाला होता है जो खालिक होता है लिहाजा अफम यख़ल को कमल्ला यख़ल कहीं ये सवाल किया ये बताओ जो पैदा करता है जो पैदा नहीं करता वो बराबर कैसे हो सकते हैं और शुरू में ही फरमा तत्तकून उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है लिहाजा यहाँ पर भी वही बात फरमाई बक बिमा खलक कि फिर हर बादशाह जो है वो अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता तो वाला अला बदम अलाबाद फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ता और उसके ऊपर जो है वो अपनी बर्तरी जितता तो ज़ाहिर है कि फिर इस कायनत का निज़ाम इस तरह से समूथली तो ना चलता सुबहानल्लामा सिफ़ून वो अल्लाह तो हर किस्म के ऐब और नक़ से पाक है जो ये बातें करते हैं आलिमिलगैबेवशा वो उन चीज़ों को भी जानता है जो वाज और र है और उन चीज़ों को भी जानता है जो ग़ैब है फ़ा युशरिकून और अल्लाह हर तरह के शर्क से बहुत बुलंद है रब इमा तुरन्नी माँ युवादून और अः हबीब वसल्लम आप ये भी फरमाया करें कि अः मेरे रब अगर तू मुझे दिखाए इम्मा तनी अगर तू मुझे वाकई दिखा दे मा युआन जिसका उनको वादा किया जाता है वाद यानी जिसका उनको वादा दिया जाता है तू मुझे दिखा दे यानी उनको क्या वादा दिया जाता है मुशरकिन को कुफार को यही वादा दिया जाता है कि उनके ऊपर अजाब आएगा तो कुल ए हबीब फरमा दीजिए तू मुझे दिखा दे मायू आदून जो उनको वादा किया दिया जाता है क्या मतलब अगर वो अजाब जो उनके ऊपर आना है जिसका उनके साथ वादा दिया जाता है अगर वो अजाब आ जाए और वो अजाब तो मुझे दिखा दे मैं वो अजाब देख लूँ रबला तज अल फ़िलकौमीन ए मेरे रब फिर मुझे ालमों की कौम में से ना बनाना यानी दुआ करो कि वो अजाब जो काफिर और मुशर कौमों पर आता है तारीख़ में और जो उनके ऊपर आना है वो अजाब जब आए तो अल्लाह मुझे उनमें से ना करना अल्लाह अकबर देखें नबी पाक सल्ला वम को अल्लाह करीम ने आपकी जात के हवाले से सूरह अनफाल में दो अमान का जिक्र किया है दो हिफाजतें हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअन्त फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून के अगर आप उनमें हों तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता नबी पाक अलैहि वसल्लम की मौजूदगी वो लोगों के ऊपर अजाब को टालने का बायस बन जाती और दूसरी बात फरमाई कि अल्लाह उन लोगों पर भी अजाब नहीं नाजिल करता अगर लोग जो हैं वो इस्तफ़ार कर रहे हों यानी मगफरत मांग रहे हों ये दो बातें हैं अगर कोई भी कौम अजाब से बचना चाहे तो मिनहतिल मजमू किसी कौम के ऊपर अजब नहीं आता एक तो उनमें नबी अक्रम सल वम की मौजूदगी अजाब को टालने का बास बनती है और दूसरा उनका इस्तेफार करते रहना अजाब को टालने का बास बनता है अब आप देख लीजिए कि इस्तेफार तो हमेशा किया जा सकता है और हमेशा किया जाना चाहिए नबी अक्रम मौजूदगी जब आप इस दुनिया में थे तो थे अब नबी पाक सल्ला वुनिया से तशीफ ले जा चुके हैं तो अब अगर इस अमान से उमत ने फायदा उठाना हो तो उसका तरीक़ा यह है कि नबी अक्रम सल्ला वसम की सुन्नतों का अहिया किया जाए अगर सुन्नतों का अया हो और मुआशरा जो है वह नबी अक्रम सन्नत की सुन्नत की पैरवी पर आ, अमल दरामद करता हो और इस तरह का मुआशरा हो कि वहाँ के वहाँ इनफरादी और इज्तमाही तौर पर नबी अक्रम सल वसलम की सुन्नतों की पैरवी होती हो तो ये उसका मतलब यही होगा कि यहाँ नबी अलैहि सम की मौजूदगी उनकी सुन्नत के अहिया की सूरत में मौजूद लिहाजा जब नबी पाक अलैहि वसलम की सुन्नत के अहिया की सूरत में वहाँ मौजूद है तो फिर उनके ऊपर वो आज़ाब नहीं आएगा क्योंकि जब हज़रत बिन जबल रज़ी अल्लाह तहों को नबी अक्रम सल्ला वल्लम ने यमन भेजा था गवर्नर बनाकर तो हदीस में आता है कि हजरत माद रजी अल्लाह खुद ही फरमाते हैं कि मैं घोड़े पर सवार था और नबी पा सल्ह पैदल जा रहे थे और जब यानी उनको रवाना करने जा रहे हैं और साथ ही साथ नसीहतें करते जा रहे हैं नबी पाक सल्ल और जब निकल गए मदीना से और नबी पाक सल्ला पैदल चलते जा रहे हैं हज़रत मद रजी अल्लाह तवारी पर सवार हैं और जब सारी नसीहतें मुकम्मल हो गई फरगा जब मुकम्मल नसीहत कर चुके आप सल्ला तो हज़रत मज़ रज़ी अल्लाह ताली से एक बात फरमाई थी कि ए मज़ हो सकता है कि आज के बाद मेरी तेरी मुलाकात ना हो ये मेरी तेरी आखिरी मुलाकात इसके बाद तू आए और तू आके मेरी मस्जिद से तू गुजरे लेकिन वहाँ पर मेरी कबर से तेरा गुजर हो तो वैसे भी कोई शख्स जो है वो सफ़र पर जा रहा हो तो उसकी कैफ़ियत जो है वो नफ्सियाती तौर पर बहुत दिल गिरफ्तगी की कैफ़ियत होती है फिर नबी पाक सलोल सस्तकिल जुदाई की बात फरमा दी अल्ला लिहाजा हज़रत मद रजी अल्लाह परेशान हुए और इस परेशानी में हज़रत मद रजी अल्लाह तहों ने चीख़ें मारनी शुरू कर दी वो यूँ कह लें कि उनकी चीख़ें निकल गई और रो पड़े नबी अकरम अलैहि वसल्लम से चेहरा देखा नहीं गया आपने अपना चेहरा एक मदीने की तरफ फेर लिया यानी वो बाहर जा रहे थे नबीरम सल्में चेहरा मदीने की तरफ कर लिया फिर आपने फरमाया कि माद रोने की कोई बात नहीं हैमत वाले दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो दुनिया में तकवा करके ज़िंदगी गुजारते होंगे मन का अनु वैफानू वो जहाँ भी रहते हों और जो कोई भी वो हों अगर उन्होंने तकवे वाली जिंदगी गुजारी है तो कयामत वाले दिन मेरे करीब होंगे तो अगर नबी पाक की हम इन दोनों अमानों से फ़ायदा उठाना चाहें तो नबी पाक सन्नतों की, की मुहब्बत एक तरीक़ा और इस्तेफ़ार करते रहना दूसरा तरीका कहने की बात यहाँ पर यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक बनाया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी लोगों से अजाब टालने का बास बनी तो ये वाली दुआ क्यों सिखाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम सल्ला आप कुल रब मा तुरन सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये क्यों सिखाया कि जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो कतान उनके ऊपर कोई अजाब का सवाल ही पैदा नहीं होता नबी पाक वसलम की अपनी मौजूदगी तो लोगों से अजाब टालने का बास है दरअसल ये उम्मत को सिखाया गया है कि अगर तुमने अजाब से बचना है तो फिर इस तरह का तरीका रबी का वस्तग फिर जैसे नबी पाक सल्लाम को हुक्म हुआ कि आप अल्लाह की तस्वीर बयान कीजिए अपने रब की तस्वीर बयान कीजिए वस्तग फिर हो रु इस्तफार करते रहे अब जाहिर है वो तो हु तो नबी पाक सल्लाम को है डायरेक्ट लेकिन दरअसल ये आ, उम्मत को समझाया जा रहा है कि अगर आपने उसने उस अजाब से बचना है अल्लाह अकबर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ऐसे तर्ज अमल का इजहार फरमाते थे जैसे हमेशा अजाब से डरते हों यानी कोई थोड़ी सी कैफियत होती थी मिसाल के तौर पर अजाब बादल आता था तो बादल देख कर लोग खुश होते थे कि बारिश आती है अब भी आजकल भी लोग बारिश का बादल आता है लोग समझते हैं कि ये शायद आ, बारिश की खुशखबरी है और लोग खुश होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लास हजत आयशा से दीक़ार रजल्ला तरमाती जब बादल को देखते थे तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो जाता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद हो जाते थे तो हज़रत आयशा से दीक़ार रजियल्ला फरमाती मैंने पूछा कि आप क्यों फिक्रमंद हो जाते फरमाया मैं इसलिए फिक्रमंद होता हूँ कि क्या पता कि ये जो बादल है इसके अंदर अजाब हो अल्लाह मिन्नी इस बात की क्या जमानत है अल्लाह आजाब कि ये जो आ रहा है इसके अंदर अजाब हो और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक कौम आई थी कि एक कौम को अजाब दिया गया था बिर्री हवा का अजाब दिया गया था और जब उनके ऊपर भी बादल यानी कौम आद के ऊपर कुरान में भी बयान हुआ है जब उनके ऊपर बादल आया तो वो तो खुश हो खुशी खुशी भाग के बादल के नीचे गए कि इन हादा हार मुम ना कि ये तो बा, बादल है हमारे ऊपर बारिश बरसाएगा तो असल में उसके अंदर अजाब था अल्लाह अकबर इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि पाकल हैं कि मुझे जो है परेशानी लाहक हो जाती है कि कहीं अजाब ना आ जाए अब ये अजाब की जो अजाब से बचने की जो दुआ है या अजाब से बचने का या अजाब आ जाने की जो फिक्र है ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो अहले ईमान हैं उम्मतियों के लिए है ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने दूसरों के लिए अजाब टालने की एक खुद एक ऐसी हैसियत अता फ़रमाई थी इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए एक हदीस में दुआ भी आती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे हवा चल पड़ी है तेज़ आंधी या कोई बादल ऊपर चढ़ा है और उसके साथ हवा है तो नबी अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे अल्लाम का ख़ैर वमाफ़ी हा व़ैर रमा उत भी अल्लाह मैं सवाल करता हूँ इस हवा या इस बादल की खैर का भलाई का किसके अंदर व ख़ैरमाफ़ी है और इसके अंदर जो भलाई है उस इसके अंदर भी भलाई जो है उसका सवाल करता हूँ व ख़ैरमासलत भी है और उस भलाई का सवाल करता हूँ जिस भलाई के साथ ये हवा या ये बादल भेजा गया वउद भी का मिनशर और अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इसकी बुराई से इसके शर से वशर वशरमाफ़ी हा मा औरलत भी और जो उस शर से भी जो इसके अंदर है और उस शर से भी जो जिसके साथ ये भेजी गई है या ये बादल भेजा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर पढ़ा करते थे हमें भी दुआएं सिखाई असल में ये दुआ तो हमें सिखाई कि आपके ऊपर इस तरह की जो कैफियत हो तो उस पर उस वक्त ये दुआ पढ़ी जाए तो असल में बताया ये जा रहा है कि जब भी किसी कौम के ऊपर अजाब आए तो दुआ ये किया करो कि अल्लाह जब आजाब आए तो मुझे उनमें से ना करना मुझे वो जगह ना दिखाना मुझे वो ऐसी कैफियत ना दिखाना जब आजाब आ रहा हो अल्लाह हमें अलग कर लेना जैसे सारे नबी दुआ करते रहे हजरत नूह अलैहि सलाम ने भी दुआ की कि हमें अलग कर लेना हजरत अलैहि सलाम ने भी दुआ की समूद पर के ऊपर जब आजाब आया हजरत हूद सलाम ने दुआ की जब कौम आद पर तो हर नबी ने ये दुआ की कि हमें उनके दर रब नफ्ता बैनना वबीन अकौम के अल्लाह हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान बैनना वबीन कौमिना हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान तू फैसला फरमा जुदाई डाल दे ताकि हमारे ऊपर वो अज़ाब ना आए तो यही नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हम सब को भी सिखाया और जब कौम आद वग़ैरह के जो अज़ाब वाली जगह हैं जो आसार खत् अरब के अंदर मौजूद हैं नबी पाक सल्लमाय वहाँ से जब गुज़रो तो तेज़ी से गुज़र जाया करो वहाँ रुका ना करो इसलिए कि वो सामाने इबरत भी हैं लेकिन साथ ही साथ अल्लाह से खौफ खाने की जगह कहीं जैसे उनके ऊपर अजाब आया था कहीं तुम्हारे ऊपर अजाब ना आ जाए लिहाजा अजाब वाली जगहों से निकल जाए उसकी वजह यह है कि कोई भी जगह ये कोई भी वक्त वो मुबारक और मनहूस नहीं होता सिवाय इसके कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर बरकत हुई हो और कुछ लोगों के ऊपर नहूसत छाई हो यानी हर दिन मुबारक है अगर अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें नाजिल हो रही हैं हर दिन मनहूस है अगर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो रहा हर जगह मुबारक है जहाँ अल्लाह ताला की राहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं और हर जगह मनहूस है अगर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हो रहा तो जिस जगह पर क्योंकि हम पीछे पढ़ाए कि अल्लाह करीम ने आ, उन दिनों को जिन दिनों में कौम आज पर अजाब आया उनको याम नहसात कहा है फ्यामिन नहसात मनहूस दिनों में अजाब आया वो जो मनहूस दिनों में अजाब आया तो मनहूस दिन कौन कौन से खुद कुरान ने बताया कि उनके ऊपर जो अजाब आया था सब अलयालिम असमानियतिया वो सात रातें और आठ दिन अजाब आया था मुसलसल सब अलयालिम असमानियत्यामिन खुशुमा मुसलसल सात रातें और आठ दिन के ऊपर अजाब आया था अगर मुसलसल सात रातें और आठ दिन अजाब आए तो उसमें से कौन कौन सा कौन कौन सा दिन उसमें आता है उसमें जुमा भी आता है जो मुबारक दिन है उसमें सोमवार भी आता है उसमें जुमेरात भी, भी आती है सारी मुबारक घड़ियां भी आती हैं लेकिन वो सारी की सारी मुबारक घड़ियां और सारे के सारे मुबारक दिन जो है मनहूस करार पाए क्यों उन दिनों के अंदर उन उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल हो लिहाजा यही बात जबान की है यही मकान की है इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों से जल्दी गुजर जाने का हुक्म दिया है जिनके ऊपर अजाब जो है वो नाजिल हुआ चाहे तारीख में कभी नाजिल हुआ था लेकिन हमें ये उससे बचने के लिए कि कहीं हमें अजाब वाली कैफियत हमें भी देखनी ना पड़ जाए इसलिए फरमाया जा रहा है कुरब इमा मा मदूल आप ये दुआ किया करें है मेरे रब अगर तू मुझे दिखाए जो उन वो वादा दिए जाते हैं रब फ़ला तजाफ़ी क़ौ ढालमीन और ए मेरे रब मुझे उनमें से ना बनाना जो िमों की कौम है अल्लाह मुझे उससे कोया अलग कर लेना अच्छा एक और दुआ तिरवि शरीफ के अंदर नबी पाकली वसलम की बड़ी मरूफ़ दुआ है और हम सबको याद रखनी चाहिए क्योंकि नबी अक्रम सम ने उस दुआ को बयान करना फ़रमाने के बाद ख़ुद ये फ़रमाया कि फ़ाइन हक कौन ये दुआ हक है और फ रसू इसको पढ़ा करो फम्मतबू फिर इसको याद रखा करो इस सीखा करो ये इसको सीख के इसको यानी ये या कलिमत जो हैं सारे के सारे ये बड़े आ, हक हैं और इनको याद रखा करो पढ़ो भी और इनको याद करो और वो कलित क्या साल का फेल अल खैैरात व तरकल मुनखरात वब्बल वा वब्बल मसाक़ीब वन तक फिरअली व तरह हमनी यानि अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं भलाई के कामों का अल्लाह मनियारा व तरक मुनकर वह हब्ब अलमसाकिन और जो मस्किन लोग हैं उनकी मोहब्बत मांगते हैं और इस बात को वन तक फिर अली वह तरह नहीं अल्लाह और इस बात का सवाल करते हैं अल्लाह तू मेरी मकफद फरमा दे और मेरे ऊपर राहमत फरमा और फिर साथ इसके व औरत फित तनफी कौन अल्लाह अगर तू किसी कौम के लिए किसी फितने का इरादा फरमा ले फैसला फरमा ले फ़तवनीई का गैर मफतू तो अल्लाह मुझे तो अपनी तरफ बग़ैर फ़ितने के अपनी तरफ उठा लेना उस फितने में मुझे उस अज़ाब में मुबला ना करना अल्लाह अकबर और फिर वासलो का हुब्ब काब्ब काब्ब अमल करबिन अल्लाह और मैं तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत रखता है और अल्लाह मैं हर उस अमल की मोहब्बत मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर ये वो दुआ है त्रिवजी शरीफ के अंदर आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आखिर पे फरमाया कि ये सारे कलिमात हक़ हैं फ़ैन हक ये सारे के सारे कलिमात जो है हक़ हैं फ़द रसूहा इसको पढ़ा करो फम्मतम तो याद भी करो इसके मानी भी सीखो और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओ तो ये है वो पूरे पूरी इस दुआ का मफहम कौरब इमा त्रन्नी मादून ए हबीब सल्लि वल्लम आप फरमा दीजिए कि ये जो काफ़रों को मशरकों को जो वादा दिया गया है आ, अगर तू मुझे वो दिखाई दे यकी रब फ़ला तजालनी फ़िर कौम ालमिन तो अल्लाह मुझे ालमों की कौम में से ना बनाना व इन्ना अला अन नूरिया का मा नाद हम लकदरुल और बेश हम अला उस बात पर जो अन नोरिया का तुझे दिखाएँ माँ नाद हम जो हम उससे वादा करते हैं लक़रून हम उसके ऊपर कुदरत रखने वाले हैं अल्लाह फरमाता है कि यकीन हम इस बात की कुदरत रखते हैं कि जो उनको वादा दिया गया है वो हम आपको दिखा दें क्या मतलब कि वो जो अजाब का वादा उनको दिया गया है वो अजाब आप अपनी आंखों से देखें ये बिल्कुल मुमकिन है तो जब अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये हम इसको कुदरत रखने वाले हैं तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये साथ वादा फरमा रहा है कि हम कुदरत रखने वाले हैं हम दिखाएंगे हम तुम्हें उनका आजाब दिखाएंगे हम कुदरत रखने वाले हैं लेकिन तेरी दुआ कबूल हो गई जो तुझसे मंगवाई गई और तुझे तेरे ऊपर वो अजाब नहीं आएगा जो अजाब उनके ऊपर आए ये अजाब किस तरह का है यानी दुनिया में एक आजाब दुनिया का हो सकता है एक आजाब आखरत का हो सकता है यानी दोनों में से कोई अजाब हो सकता है तो दुनिया का अजाब जो है उसके बारे में तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने खुद देखा यानी ये सूरत तो मक्की है ना तो फिर मदीना मुनवरा में जा के जब गजबा बदर हुआ तो गजबा बद्र में जो बड़े बड़े कुरैशी सरदार मारे गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी लाशों को एक कुएं में फेंक दिया जाए तो सब की लाशें घसीट कर कुएं में फेंकी गई और कुएं में फेंक कर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का नाम लिया अल्लाह अकबर एक एक का नाम लिया और उसको मुखातब करके फरमाया कि बताओ वो वादा जो अल्लाह ने हमसे किया था कद वजद ना माबादन हक का जो अल्लाह ने हमारे साथ वादा किया था हमने तो उसको हक और सच यानी वो वादा जो था हमने तो सच पाया तो बताओ फहल वजद तुम माब रब हक का क्या जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ वादा किया था क्या वो सच्चा हुआ कि नहीं ये गोया उन लाशों को नबी करीम वसल्लम मुखातब करके फरमा रहे थे किसी हाबी ने पूछा भी उस मौके पर कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ये सुन रहे हैं आप हम तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं अब गोया अल्लाह ताला किस वक्त किस को सुनने की इस्ततात दे दे और किस वक्त उसकी इस्ततात छीन ले ये अल्लाह का काम है वैसे तो जो मेडिकल साइंस ने भी आजकल साबित कर दिया है कि कुछ घंटे ऐसे होते हैं बत्तीस छत्तीस घंटे या कितने होते हैं उस दौरान या चंद घंटे जिस दौरान जो है वो अगर कोई शख्स जो फौत होता है वो अपनी मौत के उतने घंटे तक उस, उसको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसको सुनाई दे रहा होता है आलम क्या मामलात हैं क्या नहीं लेकिन नबी करीम वसल्लम ने बतौर इबरत के जो अल्लाह करीम ने फरमाया कि लक़ादरून हम इस पर कुदरत रखने वाले हैं गोया हम दिखाएंगे तुम्हें जो इनके ऊपर अजाब तो दुनिया में एक अजाब आया वो कुरैशी सरदार सारे के सारे वो लाशें पड़ी हुई थी उनको कुएं में फेंका गया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का नाम लेकर बताया कि ये अल्लाह ने जो वादा किया था हमारे साथ वो हमें हमें पूरा कर दिया तुम बताओ तुम तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ दूसरा है कि आसमानी अजाब जो दुनिया में आता है एक है ये अजाब जो अल्लाह करीम ने उनको सजा दी और वो सज़ा पूरी हुई और एक ये है कि आसमानी अजाब कोई आए तो आसमानी अजाब के बारे में हज़रत मूसा सलाम के बाद लगता यूं है कि अल्लाह करीम ने यानी क़ुरान के बयान से लगता है कि अल्लाह करीम ने यह फ़ैसला फ़रमा दिया है कि उसके बाद कोई आसमानी अजाब नहीं आएगा बल्कि अल्लाह ताला अहले ईमान के हाथों काफरों को अजाब दिया करेगा यानी कतलू हमला बेदी कम आ, उनको कत्ल करो उनके साथ लड़ो अल्लाह उनको अजाब देगा या अजाब देता है तुम्हारे हाथों तो इसका मतलब है अल्लाह करीम ने जो आसमानी अजाब आता था उस आसमानी अजाब की कैफियत तब्दील कर दी है अब आइंदा काफरों के ऊपर आसमानी अजाब इस तरह नहीं आता इजमाही तौर पर बल्कि अल्लाह उसका सिस्टम ये बना दिया अल्लाह चाहे तो उनको तबाह बर्बाद कर सकता है लेकिन अल्लाह उनको नहीं करता अल्लाह ताला ने अहले ईमान को एक जाबता दे दिया कातलुहम तुम उनसे लड़ो जो अदिब को और अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों उनको ये सजा देता है और अजाब देता है और एक दूसरी वजह आसमानी अजाब ना आने की और है वो है कानून मोहलत जिसका जिक्र कुरान हकीम में है कि अल्लाह ताला ने उनको कानून मोहलत अता फरमानी शुरू कर दी अल्लाह ताली उनको मोहलत देता है और कितनी मोहलत देता है व उमली लहुम इन कैदी मतीन अल्लाह ताली फरमाता है हम उनको मोहलत देते हैं और हमारी मनसूबाबंदी बड़ी मज़बूत अब मोहलत का ये भी फ़ायदा हो सकता है कि वो अपने गुनाहों में और अपनी नाफरमानियों में और बढ़ जाएं ताकि वो क़्यामत वाले दिन आखरत में अल्लाह के बड़े अज़ाब के मुस्तक हो जाए और या फिर उनको कानून मोहलत का ये फ़ायदा होता है कि वो लोग वापस आ जाए उनको अल्लाह ताला की तरफ़ से हिदायत मिल जाए और हिदायत का इम्कान बाकी रहे या फिर उनकी नस्लों में से कोई जो है वो ईमान लाने वाले बन जाए जैसे नबी अक्रम सल्ल ने बावजूद मौका होने के और बावजूद फरिश्ते की ऑफ़र के, के नबी पाक सल्लल्लाहु पाकलीस ने ताइफ़ वालों के लिए बदुआ नहीं फ़रमाई और ताइफ़ वालों के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए आपने रजामंदी का इज़हार भी नहीं फ़रमाया और आपने इसी ख्वाहिश का इजहार फरमाया और उम्मीद का इजहार फरमाया मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में से लोग हिदायत याफ़्त होंगे लिहाजा वो हिदायत याफ़्त हुए लिहाजा अब यूँ समझ लीजिए कि वो जो अजाब है अल्लाह करीम दिखाता तो है लेकिन वो उसकी सूरत बदल गई है वो आसमानी अजाब नहीं है वो ज़मीनी अजाब है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताली उनको ये आजाब दिखाता रहता है इतफा अबिलती ही अहसन सैयाह अब नबी अक्रम सल वसम को एक जबता दिया जा रहा है उनके ज़रिए से पूरी उम्म को जाबा दिया जा रहा है आपने क्या करना है कि काफिर मुशरक वो तो हमेशा अपना इस बद किरदारी के जरिए से और अपने किरदार की आलूदगी के जरिए से वो तो आपको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे और दीन इस्लाम को तकलीफ पहुँचाते रहेंगे आपका काम यह है कि आपने उनके साथ उनके झूठ का जवाब हमेशा सच देना है उनकी बदानती का जवाब आपने हमेशा दैनतदारी से देना है उनकी बद किरदारी का जवाब आपने हमेशा अच्छे किरदार के साथ देना इदफा बिल्लती ही आहसन उस बुराई के बुरे किरदार के यानी बुराई का जवाब इदफा आपने दूर करना है बिल्लती उस चीज को ही आहसन अच्छा ये असैय बुराई को दूर करना है किससे ही आहसन उससे जो बेहतरीन हो अब ये भी नहीं फरमाया कि हसन से एक होती चीज हसन अच्छी एक होती आहसन सन होती है सबसे अच्छी गोया आपने उनके साथ रवैया वो रखना है जो सबसे बेहतरीन हो सबसे अच्छा रवैया रख के इस तरह से बुराई को आपने दूर करना आपने गोया पूरी दुनिया को मुसख़र करना है किरदार के जरिए से कभी किसी को ये ना कहें अब देखें एक तो कानून जो दीन का है कानून जो इस्लाम का है अदल का वो ये नहीं है कि आप मवाजने में दूसरों को देखें कि वो ये कर रहा है मैं भी ये कर सकता हूँ वो ये, कर रहा है मैं भी ये कर सकता मवाजना हो नहीं सकता उसकी वजह हर शख्स alla का इम्तिहान अपनी इस्त के मुताबिक है दूसरे की इस्त के मुजने में इम्तिहान नहीं है ये नहीं देखा जाएगा कि दूसरा क्या कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे वो ये जो जदीद हिसाब है ना इसमें एक होती परसेंटाइल एक परसेंटेज होती है एक परसेंटाइल होती परसेंटेज तो होती है कि आपने जो परसेंटेज ले ली जाती आ, जो नंबरों की परसेंटेज ली परसेंटाइल वो कहते हैं कि दूसरे जो सारे लोग जितने जिन लोगों ने इम्तिहान दिया होता है उसके जो टॉप जिसने इम्तिहान में टॉप किया होता है उसको वो हंड्रेड तस्वुर कर लेते हैं और उसको हंड्रेड तस्वर करके कर बाकी सब की कैलकुलेशन करते हैं बाकी परसेंटेज निकालते हैं उसका नाम है परसेंटाइल लिहाजा बहुत सारे इम्तिहानों में परसेंटेज लेना जरूरी है बहुत सारे इम्तिहानों में परसेंटाइल लेना जरूरी यह शरीयत का जो कानून है इसमें मवाजने में कुछ भी नहीं है सारे का सारा इम्तिहान आपकी अपनी परसेंटेज का है आपने जाती तौर पर जो आपको अल्लाह ने एक सलाहियत दी है एक इस्त दी है उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हैं अल्लाह हू अकबर वो जो जाति इस्तात है उस जाति इस्तात में जितना भी आपने करना है वो उसी के मुताबिक देखा जाएगा आगे आ रहा है कि फामा मनसाकुलत मवाजीन फ़ौलाए कहमफल हून कि जिनके नेकियों के वजन बढ़ जाएंगे वो कामयाब हो जाएंगे किससे बढ़ जाएंगे अपनी इस्तात से बढ़ जाएंगे वो जो इस्तात का लेवल है उससे बढ़ जाएंगे लिहाजा हर शख़्स का इम्तहान अपने अच्छा वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा भी हो सकता यानी हर शख्स अच्छाई करने की कोशिश करे तो सादा अच्छाई वाला जो किरदार है वो दुनिया में दीन के गलबे का बायस नहीं बन सकता बात समझ लीजिए एवरेज और एक औसत दर्जे का जो नेकी का किरदार है वो दीन के गलबे का बायस नहीं बन सकता इदफा बिल्लती ही अक्सर ही और अल्लाह अकबर बुराई दूर होती है दीन गालिब होता है तो अहसन किरदार से होता अहसन क्या है कि आप बेहतर से बेहतर करें उससे भी बेहतर करें उससे भी बेहतर करें जो आपकी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन किरदार हो सकता है वो पेश करें तो ये है दुनिया से बुराई को मिटाने का तरीका सूरह सजदा के अंदर अल्लाह وبينه आसन फल अदावत हमीम जब तुम ये किरदार पेश करोगे ना इससे क्या होगा यानी तुम अपने किरदार को औसत दर्जे का किरदार ना रखो बेहतरीन किरदार रखो ये बात तो हम सबको समझ आ जानी जा चाहिए अब तक जितना कुरान हमने अब तक पढ़ा और जितना दीन हमने अब तक समझा उससे ये बात तो हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि जो कुरान कहता है वी कि जो हमारे रस्ते में कोशिश करते हैं हम उनको अपने रस्ते पर ले जाते हैं तो जो कोशिश एवरेज करता है उसको अल्लाह ताला एवरेज ही बदला देता है जिसने कोई दीन के एतबार से कारनामा सर अंजाम देना है ना उसको फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसको एक्स्ट्राऑर्डनरी मेहनत करनी पड़ती है यह दुनिया के अतबार से भी यही है अगर आपने दुनिया में भी को कोई किरदार अदा करना है और दुनिया में भी आपको बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं तो औसत दर्जे की मेहनत हमेशा औसत दर्जे के नतज देती है आपने अगर बेहतरीन कारनामा को सर अंजाम देना है तो आपको बेहतरीन मेहनत करनी पड़े जब आप बेहतरीन मेहनत करते हैं तो फिर उसका नतीजा जो है वो भी अल्लाह ताला बेहतरीन अता फरमा और ये जितने भी जो तलबा मेहनत कर रहे होते हैं अगर जो जिनका टारगेट ही ये हो कि मैंने बस ये पास मार्क्स लेने हैं बस उसको पास मार्क्स ही मिलेंगे और जिसका टारगेट ये हो कि मैंने टॉप करना है और जिसका टारगेट ये हो कि मैंने सौ फीसद नंबर लेने और वो इस वो इस टारगेट को सामने रख के मेहनत करता है तो उसके फिर नतज भी एक्स्ट्रा आते हैं दीन का मामला भी यही है फरमाया कि इतफा अबिलती ही अहसन उससे बुराई को दूर करो बेहतरीन किरदार के साथ अब ये खिताब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है असल में ये सारी जो हिदायत दी गई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी उम्मत को हिदायत हैं कि आप ये वाला किरदार अदा करें होगा क्या अअलम मा सिफूर यहाँ फरमाया कि हम बहुत जानते हैं हम बखूबी जानते हैं जो कुछ वो बकवास कर करते हैं जो कुछ मुशरकिन काफीन जो कुछ बयान करते हैं उनकी सारी हरजा सराई को हम जानते हैं तो आपने ये परेशान नहीं होना कि वो क्या कर रहे हैं उनके झूठ के जवाब में यानी आप किसी का झूठ आपके झूठ की दलील नहीं बन सकता किसी की बदानती आपकी बद्यन्ती की दलील नहीं बन सकती किसी की बदकिरदारी आपके बदकरदारी की दलील नहीं बन सकती अगर कोई शख्स झूठा है तो रहे आपने फिर भी सच बोलना दुनिया सारी बदानत हो जाए आपने फिर भी दयानतदारी का इजहार करना यह है वो किरदार नखनू दूसरे क्या कर रहे हैं हमें पता आपने वो करना है आहसन सैया बेहतरीन किरदार से आपने और देखें बुराई के मुकाबले में अच्छाई इतफा अबिल्लती आहसन सै या फिर सूरज सजदाफमायबिल्लती आहसन फैजी बहु अदाबा कानू वली के जिस शख्स के और आपके दरमियान दुश्मनी होगी ना नतीजा इसका क्या होगा जो आपका बदतरीन दुश्मन होगा वो आपका बेहतरीन दोस्त बन जाए यानी किरदार अच्छा रखने का ये नतीजा वो झूठ बोल रहा हो आप सच बोल रहे हो वो आपको मार रहा हो आप ना मार रहे हो वो आपके साथ ज्यादतियां कर रहे हो आप ना कर रहे हो वो बदसलूकी कर रहा हो आप ना कर रहे हो कता रहमी कर रहा हो आप सिला रहमी कर रहे हो तो जो कुछ मर्जी हो जाए उसका नतीजा क्या होगा फैदी बहन का जिनके दरमियान आपस में दुश्मनी है वो बेहतरीन दोस्ती में तब्दील हो जाए अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदला नहीं ले सकते यानी इससे तो ये लगता है कि दुनिया जो मर्जी करती रहे आपने हमेशा अच्छा ही करना इजाज़त है बदला लेने की जैसे अल्लाह करीम ने फरमाया जजा व सयातिन सयातन किसी बुराई का जो बदला होता है वो उतना ही बदला होता है जितनी वो बुराई है यानी उसी तरह की बुराई आप बदला ले सकते हैं बदला लेने की हमेशा इजाजत है लेकिन दरगुजर करने को और उसके बदले में अच्छाई करने को हमेशा अच्छा समझा गया है वहां भी फरमाया ये सूरह शुरा की आयत है फरमाया जजा सैतन सैतु मिसलू बुराई का बदला उसी तरह की बुराई है आप कर सकते हैं उसके साथ किसी ने आपके साथ बुरा किया उतना बुरा आप भी कर ले किसी ने आपके साथ ज्यादा की है उतनी ज्यादा आप भी कर ले और उससे नतीजा क्या निकलेगा सिर्फ यह कि आपके अपने जो ख्वाहिशात की तस्कीन होगी उससे माशरती तौर पर कोई अच्छा नतीजा निकलने का इम्कान कोई नहीं है हाँ फमन आफा उस आयत के साथ भी यह भी फा वहा फ जो शख्स दरगुजर करे मुआफ़ कर दे और इसलाह का काम करे बदला न ले छोड़ दे फाज रू अल्ला उसका अजर जो है अल्लाह के पास लिहाजा बदला लेना यह और बात है लेकिन बदला न लेना बदला लेने की इजाज़त है जैसे हदीस में आताबालामजलूम दो एक दूसरे को दो लोग बुरा भला कह रहे हो तो सारा गुना उस पर होता है जिसने शुरू किया अल जो दो बुरा भला कहने वाले एक दूसरे को उसका सारा गुना पहले पर होता है फ़ाएल-अल-बादी, शुरू करने वाले पर सारा गुना है मालम या आतमुब यह उस वक्त तक गुना उसके ऊपर सारा रहता है मालम या अतदिल मजलूम जब तक जो मजलूम है वो ज्यादा ना कर ले यानी उसने एक गाली दी थी इसने भी एक दे दी बराबर है उसने एक थप्पड़ मारा था इसने भी मार लिया एक बराबर है तो जब तक बराबर चलता रहा तो सारा गुना पहले पर है जजाव सैत सैत मिसल हुआ जिस तरह का उसने किया आप भी उस तरह से करते रहे लेकिन जू ही आपकी ज्यादा हो जाएगी उसने एक थप्पड़ मारा आपने दो मार दिए आपने थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी मालम यात्र बदलू लिहाजा इतना बराबर कौन इस दुनिया में कर सकता है इतना बराबर बराबर कि कोई थोड़ी सी भी ज्यादा ना हो यह कैसे मुमकिन है इसलिए फरमाया कि जजा वो सयातन सयातन कि बदला तो है कोई अगर बुराई करे तो उतनी ही बुराई आप कर लें ले बदला तो है उसका लेकिन अजर उसका नहीं मिलता वो तो सिर्फ आपकी अपनी तस्कीन होती है फमन आफा वलह जो शख्स दरगुजर करे और फिर असलाह का काम करे तो उससे क्या होगा फाज रूल फिर उसको अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा और वन हिब्बाल ये तो बराबर बराबर रहेगा बराबर बराबर रहेगा तो अपनी ख्वाहिश की तस्किन है ना गुना है न स्वाब है मुआफ़ कर दिया अजर है और अगर उधर बैलेंस शिफ्ट हो गया ज्यादा कर बैठा फ़ैन हबाल तो ओमों को अल्लाह ताली पसंद नहीं करता लिहाजा इस सारे सिस्टम को समझ लीजिए कि माशरे में रहना है तो मैक्सिम हमारे पास जो इख्तियार है वो उतना बदला लेने का है जितनी किसी ने ज्यादी की हो लेकिन ये कोई अला किरदार नहीं अला किरदार और अल्लाह से अजर की तो रखने वाला जो किरदार है वो माफ़ कर देने वाला किरदार Allah, ला अकबर नबी अक्रम सला फमाते हमारे यहां अक्सर लड़ाइयां इसी चक्कर में होती हैं कि उसने मेरे ऊपर ज्यादा की है बदला लेना और बदला लेते वक्त जाहिर ज्यादा हो जाती है और अगर आप माफ कर देंगे तो इसका अजर है तो लड़ाइयां इसलिए होती हैं और लड़ाइयां इसलिए बढ़ती हैं दौर जाहिलियत में भी इसी तरह बढ़ती थी कि हमारी इज्जत नहीं रहेगी बदला नहीं लेंगे ना तो इज्जत नहीं रहेगी ये है वो बुनियादी फलसफा जिसकी वजह से इंसान ये किरदार नहीं अपना सकता इदफा अबिलत ही आहसन सैया ये किरदार इसलिए नहीं अपना सकता कि बंदा समझता है कि हमारी इज्जत नहीं रहनी नक नहीं रहनी नक नहीं रहनी तो वो नाक को रखने के लिए सारी फिर बुराइयां आगे से आगे बढ़ती रहती हैं हालात खराब से खराब तर होते जाते अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्ला ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देना उससे सिर्फ एक चीज़ में इजाफा होता है और वो है इज्जत यानी हम समझते हैं कि इज्जत नहीं रहती माफ़ करने से बदला लेने से इज्जत मिलेगी अल्लाह के रसूल सल्ला हमें गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला मुआफ़ी के ज़रिए से जिस चीज़ की हिफाजत फरमाता है और जो चीज़ अता फरमाता है वह है ही इज्जत माजाद अल्लाहु अब अफिन अल्लाह किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करता किसी बंदे को माफ़ करने के साथ अलाज्ज़ा इज़्ज़त के यानी अल्लाह इज़्ज़तें बढ़ा देता लिहाजा ये है वो किरदार अगर इंसान ये वाला किरदार अपनाए अहसन किरदार अपनाए तो इसके ज़रिए से बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं और नबी पाख सल्ला वसलम को अल्लाह ताली ने ऐसा किरदार अता भी फ़रमाया था और ये हुक्म उम्मतियों के लिए फरमाया तुम्हें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उसने फला ने यह कहा उसने ये कहा उसने ये कहा कहता रहे आपका क्या इशू है आप वो काम करें जितना हुक्म दिया गया बस बदले लेने वाली बात नहीं नबी पाकलशा सिद्दीकार फरमाती है कभी अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया यानी जितना मर्जी किसी ने कुछ कहा अपनी ज़ात के लिए नबी पाक वसल्लम कभी बदला नहीं हाँ अगर अल्लाह की हरमात अल्लाह की हरमतें पामाल हो रही होती अल्लाकबर तो फिर नबी पाक वसल्लम अल्लाह के लिए बदला लेते थे जब हरमतें पामाल हो रही हों की फिर नबी पाक सल्ला वसलम का वो जो इदारा जिहाद हरकत में आता था और फिर नबी करीम सल्ला वल्लम का कानून हरकत में आता था فرماه ان انكو كردار اپنا اداه کرنه ديه آپ اپنا كردار بيهترين ركيه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا